आ जाइए यूनिक न्यूभारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं मुकेश सर आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स सेक्शन के डिस्कशन क्लास देता हूं। और जो आपके बुक उपलब्ध हैं आपके पास भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वाले, तो उस अग्निवीर वाले पुस्तक का सेट नंबर 4 का डिस्कशन क्लास अब हम लोग देख रहे हैं। सेट 3 तक का डिस्कशन क्लास आपने बारी बारी से देख लिया होगा और निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। तो चलिए आज सेट 4 का डिस्कशन क्लास देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसे तो पता है तीन अंक का सबसे बड़ा संख्या 999 होता है, लेकिन आपको ऐसा नंबर बतलाना है जो 10, 8 और 12 से पूरा पूरा विभाजित। तो जब भी एक से ज्यादा नंबर वाला दे कि इससे विभाजित होना चाहिए, तो पहले आपको इसका क्या निकाल लेना होगा, एलसीएम निकाल लेना होगा। तो बोलो बाबू एलसीएम निकालोगे तो 8 × 5 = 40 और यहाँ से 8 ले लिए तो 5 ले लिए और यहाँ 3 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40 थी, यहाँ 120। बस देख लो 120 से इसमें क्या करोगे, भाग लगा लोगे। तो बोलो बाबू बड़े 98 996, यही तो सबसे बड़ा नंबर है। वैसे नियमतः काम करे थे, ये देखो ये रिमाइंडर आ गया, इस रिमाइंडर को इसमें घटा लेना है, वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। और ये आ गया कितना, 960। ये देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। कितना तो आसान है, आपके एग्जामिनेशन में सारे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब फटाफट हम लोग इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखें। दो भिन्नों का योग दिया हुआ है, उसमें एक भिन्न दिया हुआ है। जब योगफल दिया हुआ है उसमें एक दिया हुआ है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करना है, घटा देना। अब भिन्न का घटाओ तो पता है, एलसीएम देखो 12 हो गया, यहाँ से भाग लगाओगे तो यहाँ 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 4 से भाग लगाओगे यहाँ 9 हो जाएगा। बोलो बाबू 14 में 9 = कितना, 5 और बटे में 12, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कहाँ कोई परेशानी है, फटाफट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होने, फटाफट केवल आंसर देते रहने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड मार्क्स रूल वाला भी देखो, एक क्वेश्चन नॉर्मली आपको रहता ही है। तो सबसे पहले इसमें बताओ किसका काम होगा बाबू, छोटी ब्रैकेट का होगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें पहले डिवाइड करोगे तो 9 से भाग लगाओगे कितना, 6 हो जाएगा, 6 × 3 कितना, 18 हो जाएगा, 32 में 18 को घटा देंगे तो कितना, 14 हो जाएगा। तो देखो 36 − 24 − 14, तो 24 − 14 करोगे तो कितना, 10 आएगा, और 36 में जब 10 घटा दोगे तो बाबू कितना, 26 आएगा, और यहाँ 52 है तो 52 / 26 करोगे कितना, 26 × 52 = 2 आ जाएगा। देखो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, तो मौखिक जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं उसको करने में। चलिए आगे बढ़ा जाए इस बोर्ड मार्क्स रूल वाले क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन को देखें। देखो क्या कह रहा है, लुप्त संख्या को बतलाना है। तो ये देखो सारा स्क्वायर नंबर है, ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर, फिर देखो 3 का स्क्वायर, फिर देखो 5 का स्क्वायर, फिर देखो 7 का स्क्वायर, यहाँ देखो 17 का स्क्वायर, यहाँ देखो 19 का स्क्वायर। तो ये सारा नंबर जो आप देख रहे हो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 2 बढ़ रहा है, केवल यहाँ 1 का वृद्धि है। तो वैसे तो ये नियमता होना नहीं चाहिए था, यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये 2 का स्क्वायर। यहाँ से आप चल सकते हो कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन 1 प्राइम नंबर में आता नहीं है, तो ये होना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया गया है। तो ये अब बताओ बाबू यहाँ से अगर देखें तो बताओ ये किसका, 7 का था, 7 के बाद कौन होगा, 11 का स्क्वायर कितना, 121 और 13, ये ना 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, तो 121 और 169 कहाँ लिखोगे, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर लिख लेना है इसके ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है बाबू। चलो लेकिन इस सीरीज में थोड़ा सा एरर, फर्स्ट वाला नहीं होना चाहिए था, 1 नहीं होना चाहिए था, तब सीरीज और बेहतर तरीके से होता। चलो आ जाओ अब यहाँ से देखो क्या लिख रहा है, फ्रैक्शन का फिर देखो ये जोड़ घटाओ दिया हुआ है, 131 और बटे में बोलो बाबू क्या लिखे हुए हैं, 255 प्लस में क्या लिखा हुआ है, 2/5 प्लस में फिर क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस में क्या लिखा हुआ है, 17/3। जोड़ घटाओ करना है, एलसीएम आपको ले लेना है, बोलो एलसीएम कितना, 255 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इसको काट रहा है, यहाँ आ जाएगा 131 प्लस। बोलो बाबू इसको काटेंगे तो क्या होंगे, 51 × 2 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 102 प्लस, यहाँ अगर आप भाग लगाएंगे तो 5 है, तो 5 और बताइए 5 से भाग लगाएंगे तो वहाँ 255 × 5 करने पड़ेंगे आपको, तो 255 × 5 करोगे, 25 = 2, 125 = 2, 127 अब माइनस कर लो बाबू,
माइनस करोगे तो तीन से अगर भाग इसमें आप लगाते हो तो तीन आठ चौबीस, तीन पचे पंद्रह यानी पचासी हो जाएगा। पचासी को गुना सत्रह से करना होगा, बोलो सत्रह पचे पचासी, रेस्ट आठ हो जाएंगे, सत्रह गुना आठ एक सौ छत्तीस, इसमें जोड़ोगे आठ तो आठ छः चौदह का चार रेस्ट एक हो जाएगा और तीन और एक चार यानी यहाँ एक सौ चौवालीस आ जाएगा। अब तो जोड़ घटाओ करके आंसर पूरा कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। चलो जोड़ो एक और दो कितना तीन, तीन में पाँच जोड़ोगे आठ, आठ में पाँच घटा लोगे बाबू तो क्या हो जाएंगे तीन हो जाएंगे। चलो अब यहाँ से ये तेरह और दस तेईस हो जाएगा, और तेईस में एक सौ सत्ताईस को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितने एक सौ पचास हो जाएंगे, एक सौ पचास में एक सौ चवालीस तो छः हो गया तो तिरसठ बटे दो सौ पचपन, जोड़ घटाओ करना है। ये देखो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, एलसीएम लेके जोड़ घटाओ कर देना है, और तो कोई काम था ही नहीं यहाँ। चलिए तो इस क्वेश्चन के आंसर जो हुए पच्चीस के आंसर जो हुए क्या हो गए, ऑप्शन नंबर बी। चलो 26 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। घड़ी में तीन बावन पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बने दो कोण में से छोटा वाला कोण बतलाना है। तो ये देखो ऐसा आप यहाँ से देखो तीन बावन कह रहा है यानी घंटा का सुई तीन से थोड़ा आगे गया होगा और मिनट वाला तो देखो 50 यहाँ 45 है ये 50 है तो इससे आपको आगे दो चला गया है। तो पहले सिंपली आप ये देख सकते हो सपोज करो ये तीन पे ही है तो तीन कहने का मतलब यहाँ पंद्रह है और यहाँ कितना है बावन, तो पहले उसी का काम कर लो बावन माइनस पंद्रह कर लेते हैं बाबू और मिनट वाला सुई जितना मिनट रहता है एक मिनट में छः डिग्री का कोण बनाता है तो पहले छः कर लेते हैं। अब माइनस करना है कितना तो ये केवल ध्यान दो अगर यहाँ घंटा वाला आगे बढ़ाया रे आपके एंगल को घटा दिया है कितना घटाया है पहले ये छोटा वाला के लिए इधर घटाना इधर बड़ा वाला निकालता है ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला तो उसका काम तो हम बाद में कर लेंगे पहले यहाँ से देखो। तो ये अगर बढ़ गया है तो मिनट का सुई घंटा का सुई अगर आधा डिग्री बढ़ता है तो मिनट का सुई एक मिनट बढ़ता है, मिनट वाला एक मिनट तो घंटा वाला आधा डिग्री तो मिनट वाला बावन चल गया है तो बावन का आधा देखो कितना 26 डिग्री हो जाएगा। बोलो बावन में पंद्रह तो बारह में पाँच घटाओगे सात, चार में एक घटाओगे तीन तो सैंतीस गुना में करना है छः और माइनस में करना है छब्बीस, सच्छक बयालीस रेस चार हो जाएगा अट्ठारह और चार बोलो बाईस हो जाएगा। बारह में छः को घटाओगे तो छः, ग्यारह में दो को घटाओगे तो नौ और यहाँ एक, 196 डिग्री। लेकिन देखो 180 से ये बड़ा है आपको छोटा वाला निकालना था, छोटा कोण दे रहा था तो टोटल कोण तो 360 तो जैसे ही देखे 180 से बड़ा आया तो घटा दो इसमें। बोलो बाबू 10 में 6 घटेगा 4 होगा, 15 में 9 घटाओगे 6 होगा, ये 1 होगा तो आंसर कितना आ गया 164 डिग्री। तो आंसर क्या लिखेंगे 164 डिग्री। बस ये ध्यान देना है मिनट का सुई एक मिनट चलता है तो 6 डिग्री कवर करता है और घंटा मिनट का सुई जब एक मिनट बढ़ता है चलता है तो घंटा वाला आधा डिग्री आगे बढ़ता है, कितना आगे बढ़ता है आधा डिग्री आगे बढ़ता है। तो इस रूप से आप इसका आंसर लिखेंगे कितना 164 डिग्री 164 डिग्री। चलो आगे बढ़ा जाए और अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ये देखें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, नेहा ने इतना छूट पर 1300 रुपया में एक पुस्तक खरीदी, इतना छूट पर इतना में खरीदा और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया, ये आपको निकालना है कि उसने कमाया कितना यानी कमाई का मतलब क्या हुआ लाभ हो जाएगा तो आपको बताना है कि उसका लाभ कितना है। तो पहले देखे 1300 रुपया 30% छूट पर 1300 रुपया में वो पुस्तक खरीद लिया यानी पुस्तक का कीमत तो हो गया 1300 रुपया, 30% लाभ पर उसको बेच देता है तो 30% लाभ पे बेचेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका जो सेल प्राइस ओरिजिनल में है तो वो सेल प्राइस कितना है ये आपको निकालना है। तो 1300 रुपया में पुस्तक खरीदा कह रहा है तो अगर उसका अंकित मूल्य दिया हुआ रहता 1300 तब तो वहाँ 30% छूट देते हैं, ऐसे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो 1300 रुपया में वो खरीद ली है और 30% लाभ पर बेच दी है तो 1300 का सिंपली आपको 30% निकाल देना है, 33 39 यानी कितना होगा 390 रुपया होगा।
कितना छूट पे खरीदा था उससे मतलब ही नहीं है। लाभ को कमाई को तो मतलब है कि हम खरीदे कितना में बेचे कितना में, तो खरीदे 1300 में बेच रहे हैं उसको कितना में बेच रहे हैं 30% लाभ पे, तो आंसर जो हो गया वो कितने का हो जाएगा 390 रुपया का, और वो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। चलो इसके बाद आ जाओ 28 नंबर में देखोगे, 12 सदस्यों के माध्य देखे क्या दिए हुए 10, एन सदस्यों वाले दूसरे समूह का औसत कितना है 12, दोनों का संयुक्त 11.2। एलिगेशन लगा लो, ये देखो शुरू वाले का 10 है, दूसरा समूह वाले का कितना है 12 है, और एवरेज कितना है 11.2 है सभी का। तो यहाँ से चलोगे तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा 0.8, और इसको घटाओगे तो क्या आएगा 1.2। रेशियो निकालोगे तो पॉइंट पॉइंट कटेगा, 4 से काटो रेशियो क्या हो गया 2:3। आवाज अब बंटवारा करो, ये देखो शुरुआत में सदस्य 12 है तो भाग कितना से 2 से, और दूसरा सदस्य के लिए गुना 3 से, यही एन के मान हो गए। बताओ बाबू आंसर क्या लिख लोगे यहाँ 18, एन का मान क्या हो गया 18। एलिगेशन से हम लोग पहले सदस्य पहले समूह के सदस्य दूसरे समूह के सदस्य के मेंबर का रेशियो निकाल लिए 2:3, और 2 वाला 12 है तो 3 वाला कितना 18 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ बाबू, रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है जिसकी उम्र नाग की उम्र से 2 गुनी है, यदि रानी रागिनी और नाग की उम्र 27 वर्ष तो निकालना है रागिनी की उम्र कितना। तो ये देखो रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है और जिसकी नाग की उम्र से 2 गुनी, तो नाग वाला अगर एक्स ले लेते तो रागिनी वाला कितना होता 2x होता, तो रानी वाला कितना हो जाता बाबू उससे भी 2 साल बड़ा, तो 2x+2। और इन सभी का योगफल देखो दे रखा है कितना 27। चलो बाबू अब ये बताओ तो जोड़ोगे 2, 2, 4 और 1, 5, तो 5x=25 हो जाएगा, तो x के मान क्या निकल गए 5 निकल गए। अब बतलाओ यहाँ किसका उम्र चाहिए रागिनी का, रागिनी कितना है 2x+2, तो 5×2=10 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा, तो वही ये रागिनी रागिनी यानी बीच वाला, ये देखो ये निकालना है 2x, तो 5×2=10, तो आंसर देखो 10 का है ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर जो लिखेंगे वो 10 वर्ष लिखेंगे यानी ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे। चल अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 88 रुपए का विभाजन उस दोनों में करना है, जयति का भाग निकालना, तो 88 जब टोटल है तो भाग किससे देंगे आप रेशियो का टोटल बोलो कितना चाहिए 11, जयति का निकालना यानी पहला आदमी का, तो पहला आदमी के लिए गुना किससे करोगे 5 से, तो बोलो 11 से कटेगा ये 8 बार में 8×5=40, ये देखो कितना आंसर आया 40 रुपया, और 40 रुपया कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। रेशियो में कई बार मैं आपको बतलाया हुआ हूँ कि जो मान दिया हुआ रहता है रेशियो के उसी चीज़ से भाग, और जो निकालना रहता है रेशियो के उसी चीज़ से गुना करते हैं। योगफल दिया हुआ था तो योग से भाग दिए, जयति का निकालना था तो जयति वाले से गुना कर दिए। तो इस रूप से सेट 4 का डिस्कशन क्लास आपका समाप्त हुआ, हम लोग फिर सेट 5 के डिस्कशन क्लास में मिलेंगे।